देश में खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़ी कवायद हो रही है और देश भर में चिंतन बैठकों के आम खाद्य उद्यमी से निदेशालय मिल रहा है। महानिदेशक माइन सेफ्टी प्रभात कुमार जिलों की नगरी उदयपुर आए और वो चिंतन बैठक जरिए सभी से मिले। क्या रहा चिंतन बैठक में खास और क्या कहा प्रभात कुमार जी ने, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। देश में सुरक्षित खनन को लेकर बड़ी कवायद हो रही है और खान महानिदेशालय भारत सरकार स्वयं उद्यमियों के पास आकर उनकी समस्याओं को जानने के लिए चिंतन शिविर जैसे आयोजन कर रहा है। निर्भयता उनमें बनी रहे और खनन व्यवस्थित होता रहे, सुरक्षित होता रहे, इसके लिए अहम कवायद की जा रही है। आइए जानते हैं क्या कहना है खान सुरक्षा महानिदेशक प्रभात कुमार जी का। एक जो पहले डर था कि माइन सेफ्टी के नाम पे जो माइंस ओनर हैं उनमें डर रहता था कि माइन सेफ्टी की तरफ से कोई ना कोई अड़ंग आ जाएगा या कोई ना कोई ऐसा भय उनको रहता था, लेकिन आज जिस तरह से मैंने चिंतन बैठक को देखा है और आपका जो विश्वास इनको जो मिला है उससे लगता है कि अब आप खुद आगे आके पूछ रहे हैं कि आपकी क्या समस्या है। इसे इनका डर भी दूर हुआ है और इनको विश्वास जगा है, क्या कहना है सर? ये इनके जो फैसिलिटेट करने का मामला है, हम इनको कानून की तरफ से क्या करना है और कैसे अच्छे से करना है, क्या ये बढ़िया से कर सकते हैं बिना विशेष तकलीफ के, ये हम पहले से करते आ रहे हैं और तभी ये इस स्टेज तक आए हैं कि इनसे हम हमारे साथ बात करने में इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। कोई भी समस्या होती है ये हमारे पास आ जाते हैं। ये हमारा काम आज से नहीं चल रहा है, हम बहुत पहले से इस पर लगे हुए हैं, आज इस स्टेज में है कि ये हमें समझते हैं कि नहीं इनसे हमें फ़ायदा ही है, इसलिए खुद आते हैं और खुद उनसे हमारी तरफ से बात करते हैं और जो प्रॉब्लम होती है हमसे बात करके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करती है। भरोसा उनमें जागा है, पहले से था, अभी ऐसा है कि भरोसा हम देख रहे हैं कि हम भरोसा इनको और बढ़ा है और ये अच्छी तरह काम करेंगे, हमें भी भरोसा है सुरक्षा के लिए, मजदूरों की सुरक्षा के लिए, वहाँ जो काम में लोग लगे हुए हैं खदानों में उनकी सुरक्षा के लिए, खदान अच्छे चलें, देश की इकोनॉमी आगे बढ़े, उसके लिए और बढ़िया से काम करेंगे, ये हमें भी भरोसा है और हम इनको जानते हैं, इनके काम को देखा है हमने, ये और अच्छी तरह काम करेंगे और मजदूरों के हित के लिए करेंगे, देश के हित के लिए करेंगे। हम भी, हमारा ही पर्पस यही है, हम भी इनके हित के लिए, इनके मजदूरों के हित के लिए, देश के हित के लिए लगे रहते, सतत लगे रहते हैं और ये आज इसी का नतीजा है कि हम इस स्टेज पे आए हैं कि और बढ़िया सोच सकते हैं, अच्छा काम के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आज जो मीटिंग हुई है किस तरह से देखा जा रहा है, क्या समस्याएं सामने आई हैं और क्या आपने जो जिस तरह से विश्वास दिलाया है इनको, क्या कहना है? ये मीटिंग यहाँ जो माइंस के स्टेक होल्डर्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनकी माइन ऑपरेशन में क्या समस्याएं आ रही हैं और सरकार की तरफ से, लेबर मिनिस्ट्री और डीजीएमएस की तरफ से इनके समस्याओं का कैसे समाधान हो सकते हैं कानून के तहत, उस पर एक चिंतन बैठक की गई। चिंता में हम लोगों ने अलग अलग प्रॉब्लम्स को देखा और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी, बहुत हद तक हमने सॉल्यूशन निकाला है। कुछ पॉइंट्स हैं जिसपे और चिंतन की ज़रूरत है जो आगे हम करेंगे। एक सबसे बड़ी समस्या है देश भर में कि इलीगल माइंस को लेकर, कि इलीगल माइन वाले काफ़ी सारा वो करते हैं, समस्याएं आपकी भी खड़ी रहती है और जो लीगल जो माइंस माइनिंग करते हैं उनके लिए भी खड़ी रहती है, क्या उन पे नकेल के लिए आप क्या और ज़्यादा वो करेंगे? इलीगल माइंस ऐसा मैं नहीं बोल सकता, जो माइंस हैं उसमें काम तरीके से नहीं हो रहे हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा लीज दिए गए माइंस का उस पर तरीके से काम नहीं हो रहा है या अनऑथराइज पर्सन्स के द्वारा काम हो रहे हैं, उसके लिए हम लोग लगातार उस पर कोशिश कर रहे हैं, इंस्पेक्शंस होते हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है, स्वास्थ्य के प्रति, सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाता है, सही आदमी काम करावें, सही जो जिनके पास क्वालिफिकेशन है वो लोग काम में आवे, काम करें, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है और हमें उम्मीद है कि और इम्प्रूवमेंट होगा और इस दिशा में और काम करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा उसको मैं आपके सामने रख दूँ ताकि हमें आगे बात करने में सुविधा हो। तो ये सरकार की तरफ से भी हर विभाग में चिंतन शिविर छोटा बड़ा सब ढंग का किया जा रहा है, ये हमने अभी एक चिंतन बैठक के नाम पे किया है। तो सरकार की तरफ से क्या सोचा जा रहा है जो हम लोग के थ्रू आपके तक आना है और आप लोग के थ्रू हमारे से सरकार को जाना है, तो हम लोग बहुत अभी तक कोशिश ये कर रहे हैं कि हम आप तक, मतलब फिजिकली
आप तक कम से कम जाए, मतलब हमारे इंस्पेक्शन नहीं होंगे आपके यहाँ, हम बीच गल जाएंगे नहीं आपके यहाँ, तब कैसे हमारा काम बने? ये एक सोच है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स बोलते हैं स्टूडेंट से, हमें आपके यहाँ जाके आप में माइंस में क्या खामियां हैं वो देखने की जरूरत नहीं है, वो आप लोग खुद ठीक कर दीजिए जो भी है। तो ये हमारा सोच है, उसको कैसे हम लोग वहाँ तक कैसे पहुँचे, वहाँ तक कैसे पहुँचे, तो ये देखना है। उसके लिए हमारे तरफ से क्या उपाय किया जा सकता है और आपके तरफ से क्या आप आगे कैसा बढ़ सकते हैं ताकि हमारा जो एम है एक्सीडेंट फ्री माइंस, कोई भी रिस्क फ्री माइंस, ये हमारा एम है। और चूंकि माइनिंग जो है वो हैजार्डस जॉब है, तो हैजार्ड्स रहेंगे, हैजार्ड्स को हम इलिमिनेट नहीं कर सकते, हैजार्ड को मिटिगेट करते हैं। जो भी खतरे हैं वो रहेंगे, क्योंकि हम प्रकृति के विरुद्ध काम करते हैं, खतरे रहेंगे, उससे हमारा वो खतरा जो है किसी ढंग का इस इंसिडेंट में न बदले, यही हमारा एम है। ये एम अगर हमारा विभाग नहीं रहते हुए भी पूरा हो जाता है, विभाग की जरूरत नहीं है, वहाँ तक सोच कर सकते हैं, वहाँ तक कभी हम लोग उस स्थिति नहीं पहुँचे सोच सके, तब ये सोच सकते हैं कि हमारा आपस में जो इंट्रैक्शन है, जाने आने का जो है, हम आपके यहाँ जाते हैं देखते हैं ये है ऐसा वायरेशन देते हैं, वो काम कैसे कम कर सकते हैं, ये मेन मुद्दा है हमारा। कैसे हमारा अप्रोच जो आपके तक बिना गए हो सकता है, आप हमें जो डाटा फीड करेंगे, हमारे पास रहेगा सारा डाटा रहेगा, जो आप हमें डाटा फीड करेंगे उसी के बेसिस पे हम काम करेंगे और डाटा सही रहेगा, ये हम मान के चलते हैं, क्योंकि आप डाटा दीजिएगा तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डाटा दीजिए, वो कैसे आएगा? प्लस हम लोग कभी काउंटर चेक करना चाहें बिना गए भी काउंटर चेक कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, ये है मुद्दा। उसमें क्या होगा कि आपके तरफ से भी आप भी हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज आपके भी बच जाते, हम लोग जैसे जाते हैं तो आपके कुछ लोग हमारे पीछे लग जाते हैं, वो रिसोर्स आपका वेस्ट होता है। हम भी जाते हैं तो हम भी जाते हैं अपना बहुत सारा रिसोर्स, अगर गए मेरा काम चल जाए रिसोर्स हमारा बहुत बच जाएगा। कम हमारे पास वैसे भी आदमी कमी है, नंबर ऑफ माइंस बढ़ते जा रही है, बहुत सारी हो रही है, उस हिसाब से हम नहीं कर सकते। तो ये थिंकिंग है कि कैसे बिना ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व किए ज़्यादा सुरक्षा का पैमाना हम ला सकें, ज़्यादा सुरक्षा कर सकें, एम यही है। इसी पे हमें चिंतन करना है, तभी जो चीज़ कानून के द्वारा बताया गया है, वो जो कानून के द्वारा बताया गया आपको पालन करने में दिक्कत हो रही है, तो क्यों नहीं कानून को थोड़ा सा लचीला बना दिया जाए कि आपको पालन करने में सुविधा हो, या फिर काम को ऐसे बना दिया जाए कि कानून अपने आप पालन होते रहे। बहुत सारी दिक्कतें हैं, अब मैन पावर की दिक्कत होती है, रिसोर्सेज की दिक्कत होती है, टेक्नोलॉजी की दिक्कत होती है, बहुत सारा मशीन जिस काम के लिए चाहिए जैसा चाहिए वो अवेलेबल नहीं होता है, तो मतलब कस्टम मेड मशीन है वो अपने माइनिंग इंडस्ट्री में अभी भी अवेलेबल नहीं है, उस डायरेक्शन में भी सोच रहा है। तो हर तरह से जो लोग यहाँ पे हमें ऐसे हैं, हमारे ऐसे हैं जो कि मशीन का एक्सपोर्ट है, मशीन को कस्टम मेड बना सकते हैं, वो भी आगे आ रहे हैं। जो माइंस चलाने में नए तरीके सोचना चाहते हैं, मिनिमम डिस्टर्बेंस से, पर्यावरण का डिस्टर्बेंस होता है, नॉइज डिस्टर्बेंस होता है, वातावरण का कैसे बचाते हुए चले, हरियाली का दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो माइनिंग में कैसे वो सब करते हुए करें और सच्चाई से करें, ठीक है। हमें जैसे बहुत जगह देखेंगे फॉरेस्ट लैंड है, एक भी झाड़ दिखाई नहीं देता है फॉरेस्ट लैंड में, तो उसमें प्रॉब्लम आती है लोगों को, तो वो भी एक है मामला। तो सारा चीज को एक साथ एक जगह रख के कैसे सोचे, तो ये जो बात है सोचने की बात है, वो हम सब मिल के करें। यहाँ पे ये कोई नहीं है कि ये यहाँ कोई मशीन बनाता है वो अलग आदमी है, माइन चलाने वाला अलग है, तो वर्कर कम्युनिटी अलग है, बीजेएमएस अलग है, दूसरे विभाग अलग है, वैसा नहीं। सब मिल के सोचे कि कैसे काम बढ़िया हो, बाकी इंडिविजुअल से मतलब नहीं है, हमारा जो माइन्स का सेफ्टी का रिकॉर्ड बढ़िया रहा है वो कैसे है, उतना ही सोचना। कुछ काम हम जानते हैं कि ज़्यादा हैजर्डस होता है, उस काम में रिस्क होता है, इकोनॉमिकली वो सस्ता होता है, इसलिए हम लोग वो काम करते हैं। अब वो सस्ता काम को हम कैसे सेव कर सकें, थोड़ा सा उसमें देख लीजिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको अगर हम सोचने का कोशिश करें तो कर सकते हैं। इसमें कुछ बातें हैं जो हमारे यहाँ से लोग बताएं कि हम आपसे ये उम्मीद करते कर नहीं पा रहे, पिछले सालों से हम लगे हुए हैं वो इम्प्रूव करने का नहीं कर पा रहे,
हमारे लोग बताएंगे कि नहीं कर पा रहे, आप हमें बताएंगे कि भाई हम भी कोशिश कर रहे हैं, ये हमें जब से हमारे ऊपर थोपा जा रहा है उसको हम रिलैक्स कैसे कर सकते हैं। आपको कभी मान लीजिए कि आज से मैं 20 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, मकराना की माइंस की बात है, वहाँ एक माइनर ओनर ने मुझे कहा कि हमारे जो ये लोग काम करते हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी का नाम होने का, ये लोग काम करते हैं उससे बढ़िया माइनिंग कौन कर सकता है। सही होगी उनकी बात को मैं झुठलाता नहीं, लेकिन नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स वहाँ पे उतने ही होते हैं, मतलब ज्यादा होते हैं। तो ये एक उसने कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इसका मतलब है कि ठीक है वो पुराने अपने परंपरागत तरीके से माइनिंग करते आ रहे हैं उसमें वो पारंगत है, लेकिन वो अब सफिशियंट नहीं है क्योंकि गहराई बढ़ती जा रही है। जब गहराई तो वो सोचने का मामला है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम लोग आपस में सौहार्दपूर्ण तरीके से सोच सकते हैं, जिसमें ये नहीं सोचते कि नहीं आपको ये करना है आपको ये करना पड़ेगा कानून लिखा, नहीं जरूरत नहीं है ना। ऐसा है कि नहीं हमारा रिसोर्स इतना है इतना मटेरियल निकालेंगे ही हमारे इतना पैसे ये प्रॉफिट हमारा तब होगा, लेकिन नहीं होगा उससे भी काम नहीं चलेगा। तो हमको सब तरफ से देखना है, हमारे यहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उसका न सिर्फ सुरक्षा बल्कि सामाजिक स्थिति भी देखनी पड़ेगी, उसका वेलफेयर ये भी अपने में आता है, वेलफेयर कैसे देखें, ये सारा चीज देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। इन्हीं विषयों पर जितना करीब करीब यही करीब करिए, इसके भीतर हमको अभी बात करनी है। इसका सरकार नजरिया पकड़ ले कि हम फैसिलिटेटर हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ के फैसिलिटेटर हैं, उसमें भागीदार है, बजाय पुलिस वाले होने के बजाय इंस्पेक्टर होने के। और जो अभी मैंने आपसे बात की जस्ट एब्सोल्युटली यूजिंग टू आवर इयर्स, because if you look at the mining industry, particularly in our region, we have a lot of small mines, and the state government is now even brought in mining areas as small as 1 hectare. A, the economic output from such a mine is small, and B, the cost of running that mine is high a lot because of the overhead. I'm obviously not an expert in this, I'm not an expert in the area of mining, but I do understand the problems जो छोटी माइंस को होती है टू कंप्लाई विद लॉज। एक हेक्टेयर की माइन उसी कानून के तहत चल रही है जिसके तहत कोल माइन चल रही है, ये एक विडंबना है जिसका अगर सोल्यूशन हो तो कम से कम उदयपुर क्षेत्र के 80% वर्कर्स का फायदा होगा। हाउ एग्जैक्टली दैट इज टू बी डन आई लीव इट टू रुनाव साहब हु इज इन चेयर अवर माइनिंग एंड मिनरल प्रोसेसिंग सब कमेटी एंड अदर्स। ये जो सेक्टर है साउथ राजस्थान का सेक्टर है माइनिंग का, पहले मेजर मिनरल का ही माइनिंग होता था ज्यादा, जब रूल बने आपके रूल बने तब तो मेजर मिनरल के मैक्सिमम माइन से मेजर मिनरल की थी, माइनर मिनरल नहीं था। जैसे ग्रेनाइट आपके सब साउथ में ही था, राजस्थान में वो ग्रेनाइट की माइनिंग नहीं थी, लेकिन लास्ट 10-15 सालों में जितनी ग्रेनाइट की माइनिंग वो इंक्रीज हुई है वो सब छोटे छोटे एरिया। ऐसे ही मार्बल का एरिया में मार्बल की जो लाइफ शुरू हुई है वो 30 ईयर्स का ही लाइफ है। इसके पहले मार्बल का माइनिंग भी बहुत कम, इसलिए मकराना टाइम में होता था जो बहुत पुराना। उसके बाद में लार्ज स्केल माइनिंग जो मार्बल का, ग्रेनाइट का और सोफ्टवुड का और दूसरे इंडस्ट्रियल मिनरल्स है, बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो एम्प्लॉयमेंट का जो बेस आधार है वो राजस्थान में आधार है वो लेबर, अनस्किल्ड लेबर जो आपने अनस्किल्ड लेबर है उसमें जो भी एम्प्लॉयमेंट का बेस है उसमें 90-95% अनस्किल्ड लेबर है और जो यहाँ वो इंडस्ट्री नहीं है, कई ऐसे रिमोट एरियाज हैं जहाँ पर इंडस्ट्री बिल्कुल जीरो है और वो उनका जो एक्टिविटीज का जो उनका उनके जीने का साधन है वो माइनिंग है। लेकिन माइनिंग को चलाने के लिए जो सेफ्टी प्रोसेस जो आपने अडॉप्ट किए हुए हैं और जो रूल्स बनाए हुए हैं उसके हिसाब से एसेंशियल पार्ट ये है कि हम लोगों को सेफ्टी से काम करना है। लेकिन जो पालना है जो कानून की पालना है जो आपके रूल से बने जिस वक्त में बने वो आप मेजर मेजर के हिसाब से बने और वो लार्ज स्केल में अपने ब्रॉडवे में शूटिंग करके रूट बनाए, लेकिन उसके बाद में एक्टिविटीज बहुत चेंज हो गई। यहाँ राजस्थान में मैं ये आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ मैक्सिमम हाइसेट 1 हेक्टेयर की है और 1 हेक्टेयर बिलो की है, 1 हेक्टेयर से नीचे भी है, 1 हेक्टेयर बाद में। एफसी एक्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जब लगा और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जब लगा उसके बाद में इन्होंने क्या किया सबको एरिया को क्लस्टर बना दी, तो एडजोइनिंग हाइसेट 1/1 सब एक दूसरे मिली हुई है। उसके बाद ही उन्होंने फॉरेस्ट का क्लियर किया, अब उसको क्या है कि माइनिंग एरिया तो है वो लिमिटेड है और उसमें मेरे को एफसी एक्ट भी मेरे लगा हुआ है, कंजर्वेशन एक्ट भी लगा हुआ है, साथ साथ में दूसरे एक्ट भी सब साथ में लगे हुए हैं और सबसे बड़ा इन बार प्रॉब्लम आ रही है पॉलिसी कंट्रोल बोर्ड ने लगा हुआ है, उनकी कंडीशन है कि 30% में एरिया में आपसे प्लांटेशन करोगे। अब एक तरह में बैंक बनानी है
एक तरफ मेरे को इनके पॉलिसी कंट्रोल के हिसाब से ट्रांजेक्शन करना है और दूसरी मेरे स्टोरेज भी जो मेरी जितनी भी मेरी मशीन थी उसका स्टोरेज भी करना है, उसको एक हेक्टर में हिसाब से काम कैसे करूँ। हालांकि हम लोग सब पूरी सेफ्टी से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का फॉर्चुनेट सबसे बड़ा फॉर्चुनेट पार्ट है कि स्टॉक्स बहुत हो, जितने भी स्टॉक्स है जितने भी माइनिंग के लिए जो हम कर रहे हैं, गणेश का होता है, मार्बल का होता है, किसी की माइनिंग कर रहे हैं, वो सेम स्टॉक्स है। उसमें एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी आ रही है कि जो बैंक हम भरा रहे हैं, जिस भी स्थिति में हम बैंक भरा रहे हैं उसका क्या होता है, जो पहले मैनुअल माइनिंग होता था आजकल सब मैकेनाइज माइनिंग हो गया, और बैंक बनाने में सबसे बड़ी क्या हो गया कि ये जो हाई बैंक है अपने इंडस्ट्रक्चर करता है कि जो इक्विपमेंट या मशीन आप यूज कर रहे हो उसको बैंक हाई से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि मैं मार्बल के टुकड़े कर लेता हूँ वो 100% सेफ है, कहीं पर भी क्रैक फ्रैक्चर भी नहीं है, लेकिन यदि मैं उसको हाइट के ऊपर जाता हूँ, मैं बूम हाइट के ऊपर जाता हूँ तो आपका एक वायलेशन आ जाएगा, आपके बूम हाइट से ऊपर चले गए, बूम हाइट से ऊपर चले गए तो ये उसके लिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपका कंसिडरेशन हो, इंस्पेक्शन हो, तो ये देखें सेफ्टी सबसे पहले हमारा प्राइम सबसे पहले फंडामेंटल यही है कि हमने वो सेफ माइनिंग करनी है, उसके अंदर किसी भी रिस्क लेने का हमारा कोई न तो है और ना हम कभी लेंगे। लेकिन जो इंस्पेक्टर अथॉरिटी का एक यही है क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई जो उसने हाइट बढ़ा रखी है, एक दो फीट की बढ़ाई, एक मीटर की हाइट बढ़ा दी, तो वो कंसिडर क्यों किया, वो सेफ है नहीं है, ये करके उसका ये उसका वायलेशन नहीं है, ताकि क्या होगा उस एक हेक्टर माइनिंग में मैं दूसरी जगह काम नहीं कर सकता और उस स्टोन को खराब नहीं कर सकता, मेरी वैल्यू बैटरी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो जो एक हेक्टर एरिया है ये तो या मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट करी और आपने आपके 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 आपसे लिखा हुआ शर्मा से भी लिखा हुआ है, यहाँ से भी लिखा हुआ है कि मिनिमम 4 हेक्टर से एरिया का देना नहीं चाहिए, लेकिन सोशल जिम्मेदारी के हिसाब से पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी वजह से छोटे छोटे एरिया दिए गए और आपने अभी भी पॉलिसी को वापिस चेंज नहीं किया। पहले आपने एक बहुत स्ट्रिक्ट लिखा था और रूल पर अमेंडमेंट भी किया कि 4 हेक्टर से कम कोई माइनिंग नहीं रहनी, लेकिन सब्सिक्वेंटली को आज भी कोई पॉलिसी चल रही है 1 हेक्टर के अंदर काम करना और वो भी क्लस्टर में करना, जितने भी अब जैसे 50 हेक्टर 50 तो माइनिंग लगी हुई 50 हेक्टर कंटेनर वन सब वहाँ से एक दूसरे जुड़ी हुई और उसके अंदर सब चीज़ों का हमारी तरफ से आपको हम एश्योर करते हैं कि 100% नहीं 200,000% सेफ्टी से आप काम करेंगे। लेकिन जो जो प्रॉब्लम हमारी है उसको कंसीडरेशन में आप ध्यान में रखें। सेकेंड है कि जो क्वालिफाइड पर्सन जो है, हालांकि आपने बहुत रियायत दे दी क्योंकि जो अनस्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड वर्कर्स जो है, माइनिंग मेट है, दूसरे मेट है, ये लोग तो उनको काम करते करते 20-20 साल हो गए, आपने रियायत दी है कि उनको एग्जाम देंगे तो लिख के जो पहले वर्बल देने की बात की आपने उसको अलाउ भी कर दिया, कोई वर्बल नहीं आप वर्बल भी दे सकते, तो उसका जो समय समय पे आप उन लोगों को क्वालिफाई करेंगे तो उनकी सैलरी भी इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी, हालांकि उनका अनुभव जो माइनिंग इंजीनियर से भी ज़्यादा है, जो प्रैक्टिकल से उन्होंने काम करते 10-20 साल हो गए, उनको स्टोन की हर स्टोन की प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो ऐसे अनस्किल लेबर को जो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि उनके जो एग्जाम आप जब दे रहे हैं उसके कंटिन्यूस में वो रखे ताकि उनका सैलरी में इंक्रीज हो जाए, उनकी इनकम का स्टोन बढ़ जाए और हमारे काम भी वर्किंग में सेफ हो जाए। तीसरा मेरा जो बोलिए आपको 3-4 डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन नहीं है, अब एफसी एक्ट अलग है, पॉलिसी कंट्रोल बोर्ड अलग है, आपका डिपार्टमेंट अलग है, माइनिंग डिपार्टमेंट, सबकी अलग अलग जिम्मेदारी है, तो जब तक जॉइंटली एक डिसीजन नहीं होगा तब तक क्या होगा कि एक ने क्लियर दी तो दूसरे ने ऑब्जेक्शन कर दिया, दूसरे ने क्लियर दी तो तीसरे ने ऑब्जेक्शन कर दिया, तो जो सेफ वर्किंग और सेफ सिस्टम में जाना चाहिए वो चल नहीं पा रहे और इन्वेस्टमेंट जो हम चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े, इन्वेस्टमेंट भी बढ़े, अपने माई मर्जी के जितने भी रिक्वायरमेंट है जो और सेफ वे में हम काम करते हैं उसके लिए कोऑर्डिनेशन ऑफ द होल डिपार्टमेंट, एक जगह आपने बोल दिया वो आपका कोई भी माइनिंग स्टार्ट करने के पहले आपको चारों डिपार्टमेंट का एक ही कंसीडरेशन होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आपने कहा कि ये इस ढंग से चलो फर्स्ट लैंडिंग का मैसेज नहीं चलने दूँ, इन्वायरमेंट का मैसेज नहीं चलने दूँ, पॉलिसी कंट्रोल होने का मैसेज नहीं चलने दूँ, माइनिंग डिपार्टमेंट का मैसेज नहीं चलने दूँ, अल्टीमेटली दैट इज ए नेशनल लॉस, वो नेशनल लॉस को प्रोटेक्शन करने के लिए आपको एक जॉइंट मीटिंग जॉइंट साथ में रखना पड़ेगा ताकि एक सेफ वे में फंडामेंटली प्रिंसिपल बात यह है इकोनॉमिकली सेफ्टी इकोनॉमिक भी होना चाहिए और साथ में सेफ्टी भी होनी चाहिए, तो दोनों चीज चाह चले कि क्या क्या घंटी का डेवलपमेंट उस हिसाब से होगा और मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट की बढ़ोतरी हुई, तो एम्प्लॉयमेंट की बढ़ोतरी आज के टाइम में सब जगह ये बोल रहे हैं कि जब हमें कोषागार मदद करनी ये फ्री दे रहे हैं जब ये दे रहे हैं उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसका एक बहुत स्कोप है, माइनिंग में स्कोप काफ़ी है और एम्प्लॉयमेंट का भी काफ़ी स्कोप है और इसके वजह से अपने कंट्री का डेवलपमेंट हुआ। मेरा फिर से अनुरोध है कि जो कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट की तीनों चार डिपार्टमेंट की एक ही मत में रहे अपने फंडामेंटली का माइनिंग करनी है तो पेड़ इधर से उधर लग सकता है, दूसरी जगह लग सकता है,
लेकिन को ले जाता मैं नहीं ले जा सकता, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कोऑर्डिनेटर जो इश्यूज है, कोऑर्डिनेटर जो आपका गवर्नमेंट का कॉन्टेक्ट होना चाहिए उसके हिसाब से चले, ताकि नेशनल लेवल में साथ साथ होता है। माइस करके मोटे मोटे 40 से 50 हज़ार छोटे छोटे माइस हैं, उतने क्वालिफाइड पर्सन अवेलेबल नहीं है, और बाद में इन्होंने सब ट्रस्ट बना दिए। तो रिक्वेस्ट ये है कि जो क्वालिफाइड पर्सन की जहाँ जरूरत है, हालांकि आपने रियल काफ़ी दिए, समय समय पर हमने रिक्वेस्ट की और आपने उसको एक्सेप्ट भी किया, लेकिन अभी भी ये आपकी जरूरत है कि जो क्लस्टर बने हुए हैं वहाँ पर एक माइनिंग इंजीनियर है और एक माइनिंग इंजीनियर के उनको सबको गवर्न करके उनको डायरेक्शन दें, और वो माइनिंग इसको आप अलाउ कर दो कि ये सभी माइनिंग हो गई, वो ये भी क्वालिफाइड पर्सन और सही पर्सन हो जाए, क्योंकि जो तक क्लस्टर के एटलीस्ट मेरी रिक्वेस्ट ये है जो जो क्लस्टर बने हुए और एक या दो माइनिंग हो गए तो क्या है उसके अंदर सेफ्टी, हमारी सेफ्टी भी हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे, और हमें जो शॉर्टेज है वो क्वालिफाइड पर्सन की होती है वो भी हमें नहीं है। इसी तरह से जो दूसरे स्टाफ रहते हैं टेक्निकल स्टाफ रहते हैं वो भी हमारे क्लस्टर में एक एक को अलाउ करने के लिए एक एक आदमी रहेगा तो पूरे गवर्न, क्योंकि उसको 8 घंटे शिफ्ट वर्किंग है, 3 शिफ्ट वर्किंग नहीं है, सब सिंगल शिफ्ट वर्किंग है, उस सिंगल शिफ्ट वर्किंग में वो जो क्वालिफाइड पर्सन है वो पूरे क्लस्टर का एक जगह बैठ के दे सकते हैं, जगह जगह विजिट कर सकते हैं, 5 मिनट में दूसरी बात पर पहुँच जाएगा, क्योंकि बैठे नहीं वन ये सब एक दूसरे बात से अटैच किए हुए, तो क्वालिफाइड पर्सन से भी आपको जो अपने रूल्स में लेते हैं उसके लिए आप ये रियायत प्रदान करें कि समय समय पे जो जैसी जरूरत है उस हिसाब से आप कॉल पर बात करके उसके आप कमिट करें। जो अलग अलग विभाग को देखते हैं उसमें हमारे विभाग भी देखते हैं, सीधा जो हम नहीं कर पाएंगे तो अननेसेसरी हम आपके साथ इन्वॉल्व होंगे करेंगे भी रिजल्ट नहीं आएगा तो वो हम नहीं कर पाएंगे, वो अलग अलग विभाग और कोऑर्डिनेशन वो थोड़ा और ऊपर के लोगों को पकड़िए, हमारे विभाग से ऊपर के लोगों को पकड़िए, तो उसमें कोऑर्डिनेशन का मामला है, कोऑर्डिनेशन का मामला शायद हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, इसको डिस्कशन हटा दीजिए, छोटे लीज वाला मामला एक मामला कहा मैंने क्लस्टर वाला वो देख लेंगे, उसको कुछ पैरामीटर बना लेंगे कितने डिस्टेंस में कितने जगह में किस क्लस्टर में कैसा सुपरविजन रहेगा काम चल जाएगा, उसको हम लोग जगह के हिसाब से कहाँ कैसी माइंस है कैसा माइंस जहाँ पे खतरनाक माइंस को वहाँ नहीं कर सकते, जहाँ माइंस छोटी है और ज़्यादा गहरी भी नहीं है वहाँ कर सकते हैं वो देखेंगे। अब छोटी माइंस का जो प्रॉब्लम है बहुत सारी माइंस है और लीज छोटी मिलती है उसको कैसे हम सेफ्टी मेंटेन करें कानून कैसे पालन करें इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं कि छोटी माइंस का कैसे। एक ये बहुत बड़ा उन्होंने कॉर्पस जोन मुझे बताया था और यहाँ तक कि स्टेट गवर्नमेंट का सवाल है उनका आज भी एटीट्यूड यही है कि भैया अगर 15 मीटर में भी कोई मिनरल अवेलेबल है हमने लीज ली थी तो इलीगल माइनिंग हो, और जो जेन्युइन लीज ओनर है उसके साथ ये समस्या आती है कि वो 15 मतलब 0.15 एकड़ वाला है वो कुछ भी करके चला जाएगा हम कंप्लीट नहीं कर सकते, ये दो चीज आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। और जैसा कि आपने फरमाया कि जहाँ पर सिचुएशन है जहाँ बेंच हाइट बढ़ा सकते हैं वहाँ हम कमीशन देंगे तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसके अलावा जो क्लस्टर है वो भी आपने फरमाया कि अगर मिलजुल के कर सको तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी 1 हेक्टेयर की लीज ऐसी भी है जिनकी एक साइड खाली है सरकारी जमीन है, तो आपका ये आपके इंटरेस्ट की चीज़ इसलिए करेगा तो डिपार्टमेंट, बट आज सब लोग यहाँ बैठे हैं इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उन लीजीज को वो 1 हेक्टेयर की जगह बढ़ा के दें लीज और उससे डेप्थ भी ज़्यादा जा पाएगी होगा और मल्टीपल सॉल्यूशंस के साथ ही इस चीज़ का हल निकल सकता है। मैं नहीं मानता कि सिर्फ माइंड सेफ्टी इसका हल निकाल सकता है, सबको करना पड़ेगा, जहाँ बेंच की हाइट बढ़ सकती है वहाँ बेंच की हाइट बढ़े, जहाँ एरिया बढ़ सकता है वहाँ एरिया बढ़े, और एरिया बढ़ाने में छोटा लीजी हो सकता है उसको अफोर्ड ना कर पाए क्योंकि आज माइनिंग डिपार्टमेंट जिस तरह की 10 times द रॉयल्टी चार्ज करता है या इस तरह से बढ़ा के देता है, तो अगर वहाँ से जो प्रोडक्शन निकल रहा है उसकी रॉयल्टी तो माइनिंग को ही मिल रही है, तो जिस लीजी ने इतनी मेहनत करी है उसे कहीं ना कहीं माइनिंग डिपार्टमेंट रियायत दे और नियर बाय एरिया बहुत कम लागत में उसको दिया जाए तो मुझे लगता है ये निकल सकता है। एक आ गया कि अगला साहब आप ये सोचो 15 एकड़ का मतलब
15 मीटर की अगर उसकी एरिया में छोटा सा वो फेंस पार का डिपॉजिट है इलीगल चलेगा तो हम कैसे रेवेन्यू लॉस बर्दाश्त करेंगे। अब वो रेवेन्यू थोड़ा आप लोगों का प्रेशर सेंटर की तरफ आप लोग रुक करिए कि सेंटर को इन्फॉर्म करके कि स्टेट को थोड़ा सा ये इन्फोर्स करे। हम भी इन्फोर्स नहीं कर सकते छोटी लीजें देने। मैंने खुद एसीए साहब के साथ साहब भी बैठे थे सब बैठे थे मैंने बोला सर वो मौत के कुएं बनते जा रहे छोटे छोटे बट मेरे सामने एग्री किया फिर नोटिफिकेशन निकाल दिया। नाउ एज फेडरेशन का जस्ट स्टैंड टू अगेन इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट कि सर्कुलर को आप विड्रॉ करिए। आपका वो सोल्यूशन ही जब होगा सर जो आप चाहते हैं कि नियर परफेक्ट माइनिंग नियर परफेक्ट सेफ्टी रिकॉर्ड कि इतने बढ़िया बढ़िया हाईवे बने फिर भी एक्सीडेंट होता है आप ये नहीं बोल सकते जीरो बट नियर परफेक्ट वो जब भी होगा सर कि जब थोड़ी सी बड़ी एरियाज और काम करने का और थोड़ा सा ये जो हमारे माइन ओनर्स भाई बैठे हैं थोड़ा इनको भी यही रिक्वेस्ट करूंगा आपस में कैसे भी करके कॉम्प्रोमाइज करके 5 हेक्टर वाले या 10 हेक्टर मिलके अगर कर ले जो भी आपके आपस में डिफरेंसेस है परिवार जैसे बैठ के डिफरेंसेस सॉल्व करता है ऐसे करे तो आपके काफी हद तक प्रॉब्लम एड्रेस होंगे। आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर सॉल्यूशन। तो हम लोग अगर ग्रेजुएट ट्रेनी जो इंजीनियर्स हैं या डिप्लोमा इंजीनियर्स रखते हैं लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता 1 साल तक डिप्लोमा को 2 साल एक्सपीरियंस चाहिए ग्रेजुएट इंजीनियर को 1 साल एक्सपीरियंस चाहिए तो जनरली ये लोग भी उसको बियर नहीं कर पाते कि 1 साल उसके पास कोई स्टेचुटरी क्वालिफिकेशन नहीं होती। हम लोग भी जनरली कंप्लेंट नहीं कर पाती है तो पहले भी उनको हम ऑथराइज करते तो कंसिडर होता तो अगर इस तरह का कंसिडरेशन हो तो सर थोड़ा सा उनके लिए भी अच्छा होगा। 5 कॉलेजेस आज की तारीख में कॉलेजेस बहुत हैं राजस्थान में ऐसा नहीं है कि इंजीनियर्स नहीं निकल रहे। इवन जो पहले उदयपुर में 1 कॉलेज था यहाँ पे भी 2 कॉलेज एक्स्ट्रा प्राइवेट कॉलेज जोधपुर में भी है अजमेर में भी है पहले कभी 1 कॉलेज हुआ करता था राजस्थान में 5 कॉलेजेस हैं और इंजीनियर्स खाली घूमते उनको जॉब इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि उनका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें कोई उनको पैसा देने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन कंसिडर नहीं होती। डिप्लोमा इंजीनियर he can authorize him as mining bit so department should consider that he is working as mining bit without any statutory certificate uske paas koi working experience na permission grant ho jata hai uske within 2 to 3 months hamare paas us manager ka resignation aa jata hai ye ek off play bahut zyada hone laga hai। acha isme ek aur bhi hai ki abhi kuch sari cheeze online ho gayi hain to abhi hum system ke hi data ke base pe कहाँ पर मैनेजर का ऑथराइजेशन ड्यू है या रिन्यूअल होना चाहिए था और नहीं हुआ वो लिस्ट सिस्टम से निकलती है और उसके बेसिस पे कंसर्न माइन ओनर को और वो मैनेजर को एक चिट्ठी जाती है कि आपका जो है फलाना लैप्स कर लिया है और आपको उसको रिन्यू कराना है और उसकी एक कॉपी जाती है जो माइनिंग डिपार्टमेंट में भी। तो अभी यहाँ का जो सेटअप है उसके हिसाब से वो माइनिंग डिपार्टमेंट बिकॉज मैनेजर का अपॉइंटमेंट अभी वैलिडेट नहीं हुआ है वो उनकी रॉयल्टी रोक देती है। अब ये एक सिस्टम यहाँ का पुराना बना हुआ था लेकिन लोग इसको अभी क्या कर रहे हैं जो छोटी माइन है वो इससे रॉयल्टी इशू कराने के लिए मैनेजर अपॉइंट करते हैं परमिशन ग्रांट होता है मैनेजर छोड़ के चला जाता है वो माइन बिना मैनेजर की ही चलती है ये एक इशू चल रहा है। अब इसको हम लोग किस तरह से एड्रेस करेंगे दैट इज़ अ मेजर इशू क्योंकि बिना मैनेजर के छोटी खदानों में थोड़ी सी दिक्कत है और ये वो मैनेजर है जो आइदर डिप्लोमा होल्डर्स हैं जिनको हमने परमिट मैनेजर दिया हुआ है या तो वो फोरमैन है जिनको हम लोगों ने परमिट मैनेजर दिया है तो उस लेवल के लोग भी इंडस्ट्री में रिटेन नहीं हो रहे दैट इज एन इशू व्हिच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। इसमें बताइए यही है मतलब बेसिकली यही है तो हमें कुछ नहीं करना इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए और कुछ नहीं करना इस मामले को इस सिचुएशन को थोड़ा ठीक करा लीजिए वो आप ही कर सकते हैं अगर किसी को रखते हैं तो रखिए वो रौना लेने के लिए आप लेते हैं फिर भगा देते हैं ऐसा मत रखते हैं तो मैनेजर काम के लिए रखते हैं रखिए। अगर एक आदमी एक माइन से भारी पड़ रहा है तो 2-3 माइन चाह रहा है तो अलग इशू है वो करा दीजिए लेकिन रखिए।